एसटी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय समीर उरांव जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद आदरणीय हिना गावित जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय मुंडा जी से आग्रह करूंगा कि आप सबको संबोधित करें। हम सब भारत के समस्त नागरिक और मुख्य रूप से देश के सभी आदिवासी समाज, जनजाति समाज आज गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री और हमारे पार्टी के अगुआ देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी, जिनके दूरदर्शी सोच और भविष्य का भारत गढ़ने के लिए लगातार नए अध्याय के साथ, नए ऐतिहासिक फैसलों के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसी कड़ी में हम सब के लिए सौभाग्य है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने जा रही है। और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और एनडीए के सभी ऐसे सहयोगियों को आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस अवसर पर निश्चित रूप से इस बात को दोहराते हुए कि आजादी के लंबे कालखंड के बाद भारत और भारत का जनजाति समाज नए अवसरों के साथ आगे बढ़ रहा है। और खासकर यदि हम आजादी का अमृत महोत्सव का यह इस वर्ष को देखें तो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे देशवासी के लिए महत्वपूर्ण है और जनजाति समाज के लिए ऐतिहासिक लक्ष्य और उपलब्धियों को प्राप्त करने का एक नई यात्रा प्रारंभ हुई है। जहां एक तरफ आज हम सब देख रहे हैं कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद पर आसीन हो रही हैं, वहीं यदि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पिछले 8 वर्षों में लगातार 2014 के बाद आज 2022 तक के सारे कार्यों को और खासकर जनजातीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो न केवल विकासात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से बल्कि इस बात को बहुत ज्यादा बल देता है और बहुत अधिक सब जनजाति समाज को उत्साहित करता है कि विकासात्मक कार्यक्रम के साथ साथ जनजाति समाज जो आत्म स्वाभिमान के साथ, आदि संस्कृति के साथ, परंपराओं के साथ लगातार जिया है, उस आत्मीय सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का जितने भी ऐसे फैसले हो सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है। आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में
अपनी आहुति देने वाले जिन्हें आदिवासी समाज भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं, उनके जन्म दिवस को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने घोषणा किया है और प्रत्येक वर्ष इस दिवस को हम जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे। जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों के वीरतापूर्ण कार्यों का स्मरण करते हुए देश भर में ऐसे महत्वपूर्ण संग्रहालय, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, जिसमें 10 पर कार्य चल रहा है, उसमें कई स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय पूरे किए जा चुके हैं और 15 नवंबर को रांची का प्रथम संग्रहालय का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो इस सरकार ने 2014 के बाद जहां इस तरह के फैसलों के माध्यम से स्वाभिमान को जगाते हुए लोगों तक विकासात्मक कार्यक्रमों को कैसे पहुंचाया जाए, उसमें खासकर शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार उन्मुखी कार्यक्रमों में और साथ ही साथ संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर ऐसे बनाए गए कानूनों को, चाहे वो अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित पंचायतों या फिर वनाधिकार अधिनियम के माध्यम से वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समाज को, उन तक किस तरीके से वो सारी चीजें पहुंचे ये सुनिश्चित किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनजाति मंत्रालय को, वैसे हमारा मंत्रालय कई मंत्रालयों के साथ कार्य करता है और इसको यदि हम कुल रूप से देखें तो इस वित्तीय वर्ष में 81,000 करोड़ से अधिक जनजाति क्षेत्रों में, जनजाति वर्गों में विकासात्मक कार्यों के लिए प्रावधान किए गए हैं और इसके साथ साथ ही जनजातीय मंत्रालय का बजट 8,491.92 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं और उस पर कार्य चल रहा है। वह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.32% अधिक है। मैं इस अवसर पर यह निश्चित रूप से दोहराना चाहूंगा और कहूंगा कि पिछले कई वर्षों में, यानी आजादी के लंबे कालखंड में, अधिकतर समय कांग्रेस ने इस देश का नेतृत्व किया, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने जनजातीय क्षेत्रों के विकासात्मक कार्यक्रमों को एक औपचारिकता पूरा करने के दृष्टि से लगातार बजटीय उपबंध या उसी दृष्टि से कार्य करने का प्रयास किया। कई बार आदिवासियों के संबंध में इस देश में चर्चा हुई, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में उन चर्चा का कोई निष्कर्ष जमीनी स्तर पर नहीं दिखा और इसलिए इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम के तहत विभिन्न ऐसे विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं और लगभग 91 मॉडल स्कूल में ही शिक्षा के क्षेत्र में आगामी 5 साल में जो हमारे आधारभूत संरचना के लिए प्रावधान किया गया है वो 29,000 करोड़ से अधिक है।
यदि हम 2004 से 2014 के कालखंड को देखें तो वह देश में जनजातीय समाज के लिए 90 स्कूल खोले गए थे, लेकिन 2014 से 2022 के कालखंड को देखें तो 514 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 384 विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ हो गए, स्टूडेंट्स आ गए और पढ़ाई प्रारंभ हो गई है। छात्र छात्राओं के लिए आवासीय परिसर उपलब्ध कराए गए, क्लासरूम बन चुके हैं और पढ़ाई प्रारंभ हो गई है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के निर्माण में जो पहले यानी 2014 के पहले 12 करोड़ रुपया का प्रावधान किया जाता था, वहीं इस समय में हम ऐसे स्कूलों के लिए 37.80 करोड़ और जो दुर्गम क्षेत्र है उसके लिए 48 करोड़ रुपया व्यय कर रहे हैं। 175 एकलव्य मॉडल स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के साथ मिलकर के स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना की जा रही है। छात्रवृत्ति की स्कॉलरशिप की यदि हम बात करें 2013-14 में 978 करोड़ था, यानी 2014 के बीच में यदि बाद में यदि हम आंकड़ों को देखें तो जहां हमने पूरे स्टूडेंट्स का डिजिटाइजेशन किया, डीबीटी मॉडल में लेकर के आए और अभी लगभग 2500 करोड़ से अधिक राशि हम इसके लिए व्यय कर रहे हैं, इसके लिए आवंटित किया है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए जो हमारा कार्यक्रम है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कुल मिलाकर के जो कई मंत्रालयों के साथ हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा पहले का यदि बजट प्रोविजन को देखें तो वह 21,000 करोड़ होता था और आज के हमारे मंत्रालय के बजट प्रावधान के साथ यदि हम उसे देखें तो जैसे मैंने कहा कि 87,000 करोड़ से अधिक, यानी 80,000 करोड़ से अधिक अन्य विभागों के माध्यम से और हमारे विभाग के माध्यम से, हमारे मंत्रालय के माध्यम से 8,000 करोड़ व्यय किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रालयों के विभागों के साथ समन्वय और कन्वर्जेंस के साथ इन सारे योजनाओं को पूरा करने का एक निर्णय हम सब ने लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी लगातार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जनजातीय समाज ध्रुव क्षेत्र में रहता है, यानी जंगलों के बीच में और उनके जो रहने के जो क्षेत्र है वहां आवागमन की बहुत स्थिति लंबे कालखंड तक एक गैप के रूप में दिखी है, उसके लिए विशेष तौर से सड़कों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है और स्पेशल तरीके से स्पेशल एक प्रोग्राम इंटरनेट के लिए जो ऐसे क्षेत्र है 4G कनेक्शन पहुंचे उसके लिए 7,287 गांव को चिन्हित किया गया है, जहां नेटवर्क की सुविधा नहीं है वहां 4G कनेक्टिविटी पहुंचाया जाए। 2013-14 के पहले और 2014 के बाद के इन सारे चीजों को यदि हम मूल्यांकन करें तो खास तौर से एजुकेशन में, शिक्षा में एक व्यापक दृष्टिकोण और भविष्य में हमारा जनजातीय क्षेत्र शिक्षा में पीछे नहीं रहे, इसका ध्यान रखा गया है। वहीं उसके साथ साथ हमने एक नई योजना का सूत्रण
इन 8 वर्षों के कालखंड में नए तरीके से प्रारंभ किया, जिसका नाम हमने आदि आदर्श ग्राम योजना रखा है। इसके तहत हमने 36,000 गांवों को सिलेक्ट किया है, 36,000 गांव जहां गैप्स बहुत अधिक है, सुविधाओं का अभाव है। रूरल डेवलपमेंट के साथ मिलकर के उस डेटा को शेयर करते हुए हम सब ने उन गांवों का चिन्हितीकरण करते हुए अब सेचुरेशन के मोड में कैसे सेचुरेट हो गांव के, उन सारी योजनाओं का लाभ उस गांव को पूर्ण रूप से मिले, ये सुनिश्चित करने के दृष्टि से आदि आदर्श ग्राम योजना और उस योजना के साथ सभी विभागों का कन्वर्जेंस कैसे हो। जितने भी 41 ऐसे मंत्रालय हैं जो डेवलपमेंट से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सारे कार्यों को करता है, उसमें से 12 मंत्रालय को हम लोगों ने विशेष तौर से चिन्हित करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि आदि आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से उन सारी योजनाओं का लाभ जनजाति समाज को उस गांव में संपूर्ण रूप से मिले। और यह योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, खास तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर रुचि लेते हुए कि हम किसी भी गांव को टेकअप करें तो सेचुरेट मोड में करें, इन उस गांव में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की क्या संभावना है, रोजगार की क्या संभावना है, स्किल डेवलपमेंट की क्या संभावना है, सिंचाई की संभावना क्या है, एग्रीकल्चर की क्या संभावना है, और इंडिविजुअल तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, कम्युनिटी राइट्स के माध्यम से जो चीजें वहां पर हो सकते हैं, उन सारे चीजों को आदि आदर्श ग्राम के माध्यम से जहां पर व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से सारे कार्य योजना हो, और उसको हमने पंचायती राज के साथ मिल करके यह सुनिश्चित किया है कि खास तौर से जो एक बड़ा क्षेत्र है जिसे अनुसूचित क्षेत्र के रूप में, उन क्षेत्रों में जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो पेशा एक्ट है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा सशक्त बनाए और उसका ओनरशिप सुनिश्चित करें। तो यह जो हमारा कन्वर्जेंस प्रोग्राम है, यह जो हमारा आदि आदर्श ग्राम योजना है, ये जब योजना गतिशील होकर के पूरा होगा तो गांव अपने आप में समृद्ध कैसे बने, यह गांव वाले खुद सुनिश्चित करते हुए अपने गांव को आदि आदर्श ग्राम बनाएंगे और आदि आदर्श ग्राम के माध्यम से एक नया आधारभूत संरचना के साथ साथ रोजगार का केंद्र बनेगा। आप सबको याद है कि माननीय प्रधानमंत्री हमेशा बंधन योजना की बात कई अवसरों पर करते रहे हैं, और इस समय देश में हम लोगों ने क्लस्टर के माध्यम से 3,110 बंधन केंद्र, और जिसमें 52,976 बंधन स्वयं सहायता समूह और 9,00,000 जनजातीय ऐसे सदस्यों को लाभान्वित करने की योजना चल रही है, और इसको आगे बढ़ाने का लक्ष्य लगातार बढ़ रहा है। जनजातीय अनुसंधान संस्थान, जिसकी हमने थोड़ी सी चर्चा की, उसके लिए हम लोगों ने पिछले अगर 2014 के पहले देखें तो मात्र 7 करोड़ की व्यवस्था होती थी, और अभी उसमें हमने 150 करोड़ की व्यवस्था किया है। 2014 के पहले 17 राज्यों में जनजातीय स्वयं संस्थान थे, अभी 21-22 में उसकी संख्या 27 हो गए हैं। और इसके साथ साथ ही आदि कलाकार पोर्टल के माध्यम से जनजातीय भाषाओं, जनजातीय नृत्य कला, कौशल और संस्कृति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संरक्षित करने का कार्य प्रारंभ हो गया और निरंतर चल रहा है। राज्यों को अनुदान में, आजीविका में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में लगातार भारत सरकार के तरफ से उन्हें सहयोग दिया जा रहा है, और लगभग 3,405 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। मंत्रालय के माध्यम से एक डैशबोर्ड बनाया गया है, उस डैशबोर्ड के माध्यम से डिजिटलीकरण और
प्रमुख डेटा समंकन का कार्य लॉन्च कर दिया गया है पोर्टल के माध्यम से, और ऐसी कुछ योजनाएं जिसको प्रधानमंत्री स्वयं अपने डैशबोर्ड में देखते हैं। जनजातीय अनुसंधान संस्थान के उत्कृष्टता केंद्रों का, जिसको हम सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में प्रतिष्ठित ऐसे संस्थाओं के साथ कार्य कर रहे हैं, चाहे वो IIT हो, IIM हो या इस तरह के अन्य संस्थाएं हो, लगभग 350 से अधिक अनुसंधान परियोजनाओं को वित्तीय रूप से सहयोग देते हुए कार्य प्रारंभ किया गया है। तो आजादी के अमृत महोत्सव में मैं यह निश्चित रूप से कहूंगा कि आत्मनिर्भर भारत का जो यह अभियान माननीय प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आह्वान किया है, उसी कड़ी में लगातार हम जनजातीय क्षेत्रों में विशेष आधारभूत संरचना और पिछले 5 वर्षों में नए हाट बाजार और साथ ही साथ भंडार के लिए भंडार गृह का निर्माण करने की योजना हम लोगों ने स्वीकृति दिया है और उसका कार्य प्रारंभ हो रहा है। ट्राइफेड के माध्यम से जहां हमने कहा कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो वनोपज है उसका वैल्यू एडिशन के साथ, उसका मार्केटिंग नेटवर्क, उसका लिंकेज और इंटरनेशनल मार्केट की जितनी पोटेंशियल है उसको हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, और अभी बहुत सारे ऐसे उत्पाद है जिसका हम राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार कर रहे हैं और उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारा अभी एक बड़ी योजना एक मंजूरी दी गई है और उसमें लगभग 130 करोड़ की योजना हमने उस पर स्वीकृत किया है और 75 करोड़ रुपया ऑलरेडी हमने उसके लिए उपलब्ध करा दी है। तो इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के ऊपर भी हमारा विशेष ध्यान है और जनजातीय समाज के वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उसमें एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट का कार्य बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लोग जुड़ रहे हैं। मोदी सरकार ने पहली बार ऐसे कार्य योजना के माध्यम से लोगों को जोड़ने का कार्य प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एक अच्छी सुविधाओं के साथ भी, रोजगार के साथ भी और आत्म स्वाभिमान के साथ भी बढ़ने का मौका मिल रहा है। आप सभी जानते हैं कि इस देश में एक नया प्रयोग के साथ, नया मैनेजमेंट सिस्टम माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया है और वो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जिसके बारे में आपको हमारे हिना गावित जी आपको पूरी तरीके से ब्रीफ करेंगे कि यह जो कार्य योजना है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से धरातल पर, सतह पर कैसे बेहतर ढंग से उतरे और जिसका बहुत अच्छा परिणाम सामने आ रहा है डिफरेंट सेक्टोरल डेवलपमेंट के लिए, वो आपको डिटेल्स में बताएंगे। जनजातीय क्षेत्र मुख्य रूप से मिनरल एरिया के रूप में भी पहचाना जाता है और इसलिए आप सबको जानकारी है कि एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की व्यवस्था की गई है और जिसमें यह व्यवस्था है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से ट्राइबल और ट्राइबल एरिया के होलिस्टिक अप्रोच के साथ ऐसी योजनाओं को स्थानीय स्तर पर, सतही स्तर पर कैसे पूरी की जा सके, इस पर बल दिया गया है। तो भाजपा की सरकार 2014 से 2022 के कालखंड को यदि हम देखें तो पूरे जनजातीय समाज को इस रूप में देखते हुए कि आजादी के लंबे कालखंड में बहुत तरह के प्रावधानों की बात की गई, बहुत तरह की योजनाओं की बात की गई, बहुत तरह के कार्यक्रमों की बात की गई,
बहुत तरह के संवैधानिक अधिकारों की बात की गई, लेकिन उसको धरातल पर उतारने के लिए जो प्रयत्न होना चाहिए उसमें कभी स्पष्टीकरण नहीं रहा। और इस समय यदि आप देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां स्थानीय स्तर पर युवाओं को, आदिवासी महिलाओं को और आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार के साथ, तो वहीं संवैधानिक व्यवस्था में उसका प्रमुख भूमिका सुनिश्चित करने के लिए आज देश का सर्वोच्च पद पर जनजातीय महिला को राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित कर रहे हैं। तो यह जो भारत में इस समय 2014 से 2022 का कालखंड है, यह एक स्वर्णिम कालखंड जनजातीय समाज के लिए हम कहेंगे, जहां उनके बहुआयामी व्यक्तित्व का निर्माण, उनकी संभावनाओं को कुरेदते हुए नए अवसरों का सृजन और उन सारे दुरु क्षेत्र में आधारभूत संरचना के साथ स्वाभिमानी जनजाति समाज को उनके अपने स्थानों पर बेहतर तरीके से अवसर मिले, ये उपलब्ध कराने का जो एक बड़ी सोच के साथ, बड़ी उद्देश्य के साथ काम आगे बढ़ रहा है। मैं बाकी आपके जो प्रश्न होंगे, यदि कोई प्रश्न हो तो उस समय में फिर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी मैं कहूंगा कि हमारे जो जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समीर उरांव जी, थोड़ा आपको ब्रीफ करें, उसके बाद हिना गावित जी आपको ब्रीफ करेंगे और उसके बाद आपके कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको उत्तर दूं। पत्रकार वार्ता में हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, पत्रकार वार्ता में हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, हमारे पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय प्रेम शुक्ला जी और सांसद आदरणीय हिना गावित जी और सामने में बैठे विभिन्न पत्र पत्रिका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया से आए हमारे संवाददाता मित्रों, सबसे पहले तो आज एक ऐतिहासिक क्षण है। आजाद भारत में पहली बार ऐसा निर्णय और निर्णय से निर्वाचित हुए हमारे देश के जनजाति समुदाय की बेटी आदरणीय हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, जो देश के सर्वोच्च स्थान पर पदस्थापित हुए हैं, इसके लिए मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, एनडीए के नेता को, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और आप तमाम सबको, आपके माध्यम से देशवासियों को मैं शुभकामना और बधाई देता हूं। निश्चित रूप से जो जनजातीय कार्य, जो देश के जनजाति समुदाय के लिए जो किए जा रहे हैं, इन सारे बातों को हमारे आदरणीय अर्जुन मुंडा जी ने एक एक बातों को बताने का काम किया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आजाद भारत में पहली बार इस देश के अंदर जनजाति समाज समुदाय के लिए बहुत ऐसे रचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं जो कि आजादी के बाद उपेक्षित पड़ा था। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष चल रहा है, देश एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वैसे समय में इतने दिनों तक इस देश के अंदर क्या होना चाहिए इसके लिए पिछले दिनों में लोग विचार नहीं किया, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 के बाद लगातार जनजातियों के सम्मान के लिए, और यही नहीं, जो जनजातीय, जो चाहे स्वतंत्रता सेनानी हो या तो स्वतंत्रता के पहले, चाहे मुगलों के समय में हो, उस समय में भी जिस प्रकार से जनजातीय वीर और वीरंगनाएं जो देश के लिए जो अपने कई प्रकार के जो कार्य करते हुए समर्पित हुए हैं,
ऐसे लोगों का सम्मान कैसे हो। इस दृष्टि से आप देखे होंगे कि रानी दुर्गावती जी जिस प्रकार से आज से 400 साल पहले जो मुगलों के साथ किस प्रकार से जो है अपने धर्म संस्कृति और अपने इस भारतीयता राष्ट्रीय भाव के आधार पर उन्होंने वहां युद्ध किया। हमारे जो है राजस्थान के अंदर पुंजा भील किस प्रकार से जो है हमारे राणा प्रताप जी के साथ मुगलों के साथ लड़ाई लड़ा, ऐसे सारे हमारे जो यहाँ के वीर महापुरुष इस देश के अंदर में रहे हैं। आजादी के लड़ाई में भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, चांद भैरव, जादो नाग, रानी माँ गैडेल्यू, तलक्कल चंदू, ऐसे भीमा नायक, ऐसे कितने हमारे जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, इन लोगों को किसी ने उस समय इतिहास के पन्नों में ठीक से दर्ज नहीं किया, यही नहीं और हमारी सरकार ने भी उस समय कहीं कुछ करने का प्रयत्न नहीं किया। जिस प्रकार से जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी ने केवल आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी, भगवान बिरसा मुंडा ने गांव गांव में जा करके अपने गांव को एकत्र करने का काम, सशक्त करने का काम, एकजुट करने का काम, आत्मनिर्भर करने का काम, स्वलंबी बनाने का काम हमारे भगवान बिरसा मुंडा कर रहे थे। और इन सारे बातों को किसी ने पहचाना नहीं, देखा नहीं कि देश के लिए कितना कौन से लोग क्या क्या किया। हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इन सारे बातों को बहुत गहराई से देखा समझा और ये जनजाति सम्मान में जिस प्रकार से हमारे आदरणीय अर्जुन मुंडा जी ने बताया कि उनके जन्म जयंती के दिन को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के लिए जो है वो प्रारंभ किए, आज देश भर में उनके नाम से उनके बातों को उनके कार्यों को जो स्मरण करते हुए यह देश के जनजाति समुदाय आज आगे बढ़ रहा है, प्रेरणा ले रहा है। इसी प्रकार से जो कि हमारे देश भर में कई जनजातीय जो महापुरुष हैं, जो देश के लिए जो काम किए हैं, उन लोगों के नाम पर वहां पर जो संग्रहालय बन रहा है उसमें कई प्रकार की जो है हमारे प्रेरणादायी बातें हैं, उसको आज के युवा पीढ़ी आज के छात्र वहां से देखेंगे समझेंगे और देश के लिए कुछ करने के लिए कुछ बढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे, ऐसा यह एक उपलब्धियां है। इसी प्रकार से हम कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जो है हमारे जनजाति समुदाय के कई पर्व त्योहार होते हैं, इन पर्व त्योहारों को किस प्रकार से उनके जो सामुदायिक सामूहिक जो परंपरा आस्था के साथ जो मनाते हैं उनको भी कभी कोई संरक्षण संवर्धन करने का कार्य नहीं किया, लेकिन हमारी ये सरकार ने निश्चित रूप से ये कुंभ के बाद में जो जनजातियों का सबसे बड़ा जो मेला लगता है मेलाराम यात्रा जो तेलंगाना के अंदर है, वहां करोड़ों लोग वहां पर एकत्र होते हैं, 7-8 राज्यों के लोग वहां पर एकत्र होते हैं, वहां पर जनजाति कार्य मंत्रालय के माध्यम से हमारे जनजातियों का आस्था का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है, उनको कैसे संरक्षण संवर्धन हो, इसलिए वहां भी बजटीय प्रावधान के आधार पर इन सारे चीजों को कैसे वो लोग ठीक ढंग से अपना अनुपालन करते हुए पुरखों पूर्वजों के जो आस्था का केंद्र है अपने समाज संस्कृति है उसको आगे बढ़ाएं, इसलिए वहां भी ऐसे सारे जो बजटीय प्रावधान है उसको किया गया है। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि आज जो आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए हम बता सकते हैं, कह सकते हैं और आने वाले दिनों में जब 25 वर्ष और यानी 100 वर्ष हो जाएगा आजादी का, उस समय जनजाति समुदाय अपने आप में दिखेगा, अपने आप में जो है अपनी संस्कृति आस्था परंपरा विश्वास को ये भारतीयता के साथ जोड़ करके आगे जाएगा, कि अपनी अलग पहचान उनकी भारतीयता की दिखेगी, ऐसा सारा कार्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया है। निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे कि आज बहुत सारे अचीवमेंट हैं,
और इस अचीवमेंट के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह भारत जो बदल रहा है, बढ़ रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर जो चल रहा है, अपने प्रधानमंत्री जी का यह यात्रा है, इसमें हमारा जनजाति समुदाय भी कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। हिना गाविल जी, धन्यवाद। आप सभी का स्वागत करती हूँ। टुडे हिस्ट्री इज स्क्रिप्टेड इन इंडिया। आज सर्वोच्च संवैधानिक पद जो कि देश के राष्ट्रपति पद पर पहली बार एक आदिवासी महिला विराजमान हुई है, और मैं समस्त आदिवासी समाज की ओर से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, एनडीए के सभी नेताओं का मैं आभार व्यक्त करती हूं, धन्यवाद देती हूं। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब पहली बार उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली, तो पहला वाक्य जो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, आदिवासी, दलितों के लिए समर्पित है। और ये केवल उन्होंने कहा ही नहीं, तो उनके हर एक योजना में, हर एक कार्य में उन्होंने वो बताया भी है। आज जो गरीब कल्याण योजनाएं देश में चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हर घर नल से जल हो, सौभाग्य योजना हो, आयुष्मान भारत हो, उज्ज्वला हो, जितने भी गरीब कल्याण योजनाएं हैं, इसमें ज्यादातर गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े लोगों का समावेश है। और ये बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड फॉर्म में ये सारी योजनाओं का कार्य ये शुरू है। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे 2022 तक पहली लिस्ट पूरी हुई, उसके बाद जो बचे हुए लोग थे उनके लिए दूसरी लिस्ट बनाई गई। तो हर एक स्कीम के अंतर्गत आदिवासी आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, दलित आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, गरीब पिछड़े व्यक्ति तक, ये सारी योजनाएं सही मायने में पहुंचाने का काम ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। आज ये जो इतिहास देश में रचा गया है, हमारी आदिवासी महिला आज देश के इतने बड़े पद तक पहुंची है। अनेक राजनीतिक पक्ष हो गए, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन सही मायने में आदिवासी समाज को न्याय देने का काम ये प्रधानमंत्री जी ने आज किया है। हमारे देश में जो पिछड़े हुए इलाके हैं, उसमें ज्यादातर आदिवासी बहुल क्षेत्र है। अगर हम देखें तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हेल्थ, एजुकेशन, ये अगर हम पूरे देश के डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा देखें तो आप सभी को ये ध्यान में आएगा कि जहां पे ट्राइबल एरियाज है वहां पे लिटरेसी रेट कम है, वहां पे हेल्थ के इश्यूज है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, मेल न्यूट्रिशन, मैटरनल मोर्टेलिटी, इस तरह के जो इश्यूज है ये पर्टिकुलरली ट्राइबल एरियाज में ज्यादा है। और ये सभी इश्यूज को एक साथ एड्रेस करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू किया 2018 में। और ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, इसमें मेन पांच एरियाज पे फोकस है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये योजना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बनने के बाद इसका रेगुलर एक फॉलोअप का कार्य शुरू है, नीति आयोग इसको रेगुलर मॉनिटरिंग कर रही है। और इतना ही नहीं, तो हर एक सेक्टर में अलग अलग इंडिकेटर्स को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, इसलिए बहुत ही ज्यादा मेहनत हमारा सरकार और पूरी सिस्टम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पे कर रही है। इसका अगर हम रिजल्ट देखें तो हमारे जो पिछले जब से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बना है और आज तक ये जो इंडिकेटर्स है, इसमें जिस तरह से इम्प्रूवमेंट हुई है, इसके आंकड़े पहले तो बिलो नेशनल एवरेज हुआ करता था, आज ये अबाव नेशनल एवरेज कई डिस्ट्रिक्ट्स में हमको आंकड़े देखने को मिल रही है। तो इससे एक चीज तो निश्चित रूप से पता चलता है कि आदिवासी क्षेत्रों में सही मायने में टारगेटेड डेवलपमेंट का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार कर रही है। आज अभी हमारे आदिवासी विभाग के मंत्री आदरणीय मुंडा जी ने उनके विभाग के अंतर्गत जो योजनाएं चल रही है उसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया।
उसमें और एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी सर के विभाग आपके माध्यम से स्वास्थ्य पोर्टल बनाया गया है। आज तक देश में ट्राइबल एरियाज में जो माल न्यूट्रिशन सीकल सेल एनीमिया या बाकी हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज थे इसको टारगेटेड उसके ऊपर आज तक देश में कोई ऐसा आंकड़े आइडेंटिफाई करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। आज स्वास्थ्य पोर्टल के माध्यम से ट्राइबल और नॉन ट्राइबल एरियाज में हेल्थ के किस तरह से प्रॉब्लम्स है और वो किस तरह से इम्प्रूवमेंट हो रही है वो सारा स्वास्थ्य पोर्टल के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ हमारे जो ट्राइबल एरियाज में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है इसको पहली बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने का काम भी इसी सरकार ने किया। 23 प्रोडक्ट्स माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अभी एमएसपी के लिस्ट में जोड़े गए हैं। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहूंगी कि आदिवासी समाज आज बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है और आदिवासी क्षेत्रों में जो कई सालों से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या कई सारी ऐसी योजनाएं थी जो नहीं पहुंच पा रही थी आज सही मायने में वो योजनाएं वहां तक पहुंच रही है और आदिवासी समुदाय को न्याय देने का काम यहां हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।